हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम है। आज हम आपको अप्पे बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं इसे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, अप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या लेंगे। वेजिटेबल लेंगे कुछ, ये है शिमला मिर्च, एक गाजर और एक प्याज। ठीक है, इसको हम छील लेंगे और बारीक बारीक काट लेंगे। ठीक है, और अप्पे बनाने के लिए जो मतलब इसमें डाली जाती है वो है सूजी। ठीक है, सूजी लेंगे और हम इसके लिए लेंगे दही। ये देखिए दही। ठीक है, दही लेंगे। जब हम सब्जियों को बारीक बारीक काट देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कटोरी सूजी लेंगे। ठीक है, और सूजी के अंदर हमें एक कप या एक गिलास कम से कम गुनगुना पानी लेंगे हम। गुनगुना पानी रहना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो सूजी आपको पता है गांठे पड़ जाएंगी। ठीक है, तो पानी गुनगुना रहना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, सूजी लेंगे एक कटोरी, उसमें थोड़ी गाजर छील के बारीक बारीक कटी हुई, और थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के, एक शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं आप। एक प्याज लेंगे जिसे बारीक बारीक काटेंगे आप, और दही। ठीक है, इसमें हम दही मिलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दही मिलाने के बाद उसमें इनो मिला देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने अभी अभी इसको मिला के रख दिया, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, दूसरा वीडियो है, तो थोड़ा मेरे हाथ में ही फ़ोन है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना, एक हाथ से परेशानी है, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने काट के सब इसमें मिला दिया है। मैंने इसमें एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक प्याज और 3 चम्मच दही, और इसमें गर्म पानी और सूजी, 1 कप सूजी लेके इन सबको मिला दिया है। ठीक है, और सरसों के दाने लिए मैंने, ये देख रहे होंगे आप, सरसों के दानों को मैंने, और इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता, देखिए सरसों के दाने हैं ये, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके मैंने इसको तेल को गर्म करके चमचे को, और इसमें मैंने तड़का मतलब लगा दिया। ठीक है, जब राई के दाने, ये सरसों के दाने चटकने लग जाएँ तो उसको आप इसमें मिला देंगे, कड़ी पत्ता। आप देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन, ये कैसा लग रहा है, ये देखने में ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में आपको पता ही होगा कैसा। ठीक है, तो ये खाने में बहुत टेस्ट आता है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसको बनाने में सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स, और ये बन के तैयार हो जाता है। और अप्पे बनाने के लिए हमें एक साँचे की ज़रूरत पड़ती है, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा साँचा है, ये देखिए साँचा है, इसी के अंदर हम अपने अप्पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये साँचा हम ले लेते हैं। हमने सारा सामान तो यहाँ पे रेडी करके रखा ही हुआ है। ठीक है, अप्पे फिर बनाने के लिए हमें या रिफाइंड ऑयल या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, ये मेरे पास तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ठीक है, 1-1 स्पून इसमें ऑयल डालेंगे हम। ठीक है, छोटी स्पून ऑयल डालने से क्या होगा कि ये जब हम इसे बनाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, और आसानी से निकल भी जाएंगे, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में फ्रेंड्स इसको आप बना सकते हैं, मतलब या सुबह के नाश्ते में, बच्चे बड़े शौक से इसको खाते हैं। और इसमें हमने सारी वेज डाली है, आप चाहें तो इसमें और भी वेज यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो 2 वेज अवेलेबल थे ये, तो जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने डाल के इसमें बना रही हूँ। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे सब में मैंने ऑयल डाल दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो इसका, अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बैटर बनाएंगे ये थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे। ठीक है, जो गर्म पानी आप ऐड करेंगे तो आप इस हिसाब से ऐड करेंगे कि ये बैटर गाढ़ा हो। ये देखिए 1-1 स्पून लेके आप इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके जो खाँचे बने हैं इसी के अंदर। ठीक है, अब हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो शाम को चाय के साथ हल्की फुल्की भूख हो, और ये वेज है इसमें, तो चाहे तो बच्चों को टिफ़िन में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम तो अपने घर में जब ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादातर हम यही बना के खाते हैं, और ये बहुत टेस्टी भी है और कम टाइम में बन भी जाते हैं। कई बार क्या होता है, मन कर रहा होता है क्या बनाएं क्या बनाएं, मेहमान आ गए हैं घर में तो उनको क्या खिलाएँ, तो आप देखेंगे अगर आप ये उनको बुला के, मतलब जब आ जाते हैं मेहमान तो ये बना के खिलाएँगे, तो देखेंगे आपके जो रिलेटिव हैं वो भी खुश होंगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने सारे अप्पे इसमें मिला दिए, मतलब मैंने इनके साँचे में रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। अब आप देखेंगे, अब मैं इसका ये ढक्कन है,
इसके ऊपर ढक दूंगी और गैस को मैं ऑन कर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दी है, ठीक है। और ये एक बार थोड़ा सा इसे गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा आप कम कर दें। कई बार क्या होता है कि ये जलने ना लग जाए, ठीक है। और ये मैंने ढक्कन से ढक दिया है और इसका सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट आप वेट करेंगे। और जब ये बन जाते हैं फिर मैं आपको, देखिए गैस की फ्लेम अभी तो मेरी तेज़ है, लेकिन अभी थोड़ी देर, अभी थोड़ा मैं इसे कम कर दूंगी, ठीक है। धीमी धीमी आँच पे इसको फ्रेंड्स बनाएंगे। और इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप खा के देखेंगे, ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और मैं तो हमेशा बनाती हूँ जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा इसे। अभी जब ये बन जाते हैं तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसे। अब हम, हेलो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा वीडियो बंद कर दिया था, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये देखिए आप पे इस तरीके से हो गए हैं, ठीक है। गैस की फ्लेम कम है, अब आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा पलट दूंगी, जैसे ही पक जाते हैं तो ये देखिए पकने के बाद इसको, ये अपने आप, ऑयल हमने इसलिए डाला था कि जब हम इसे उल्टा करेंगे, मतलब एक तरफ पक गए दूसरी तरफ पकाने को जाएंगे, तो आसानी से, देखिए आप छूट रहे हैं ना, आसानी से ही निकल जाते हैं, इतना आराम से ही बन जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से ही बन जाता है। और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है ये जितना देखने में लग रहा है आपको, ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं जितने देखने में आपको लग रहे हैं। ये देखिए गाजर शिमला मिर्च डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और आपको पता है ये वेज बच्चे तो आजकल नाटक करते हैं, मेरी भी बेटी है, खाने में बड़ा लफड़ा, मतलब नाटक करती है, वो भी नहीं खाना चाहती है। तो ऐसी चीज़ें उसको बना के देनी पड़ती है कि कुछ उसके पेट में जाएगा। वेज सब्ज़ी आप कितनी भी अच्छी बनाएं, बच्चे सब्ज़ी तो खाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए आराम से ये हो गए, थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स पलट गया, देख रहे हैं आप। अब इसको हम फिर से ढक देंगे, धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके बिल्कुल हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं, ठीक है। और ये देखने में आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो ये रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब हम इन्हें उतारेंगे और आप इसको खा के अपने घर में बना के देखिए, ठीक है। आप देखेंगे कितना टेस्टी है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये, ठीक है। आप चाहें तो इसको ग्रीन वाली चटनी के साथ इसको खा सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको पसंद है उसके साथ आप इसे खा के खा सकते हैं। आपको खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, जब भी हल्की फुल्की भूख लगती है मुझे तो हम ज़्यादातर यही बनाते हैं और खाते हैं। और आप भी बनाइएगा और खाइएगा और मुझे भी बताइएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसको आप ग्रीन सॉस या फिर रेड सॉस, बच्चे जिस भी थे, वैसे भी मैं आपको सच बताऊं ये खाने में इतना टेस्टी है ना, मुझे, मैं जब खाती हूँ तो सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक कप चाय की ज़रूरत पड़ती है। चाय लें और आप खाएं, बच्चे भी शौक से खाते हैं, और कोई मेहमान आते हैं आपके घर में आप उन्हें भी खिलाएं, तब आप देखेंगे कितना, देखिए कितना ये टेस्टी। और ये देखिए ये मेरी पुदीने की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी यहाँ पे पहले से, और ये सॉस है रेड सॉस। और देखिए फ्रेंड्स ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, बच्चे देखेंगे तो दौड़ के खाने को आएंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।